एक ओर भाजपा सरकार में महिलाओं को इतना सम्मान दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ अराजक तत्वों द्वारा महिलाओं के अश्लील फोटो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर उनको बदनाम करने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें, दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के थाना मडरा क्षेत्र के गांव सिंगारपुर का है, जहां के रहने वाले योगेश प्रजापति ने थाने पर तहरीर दी है, जिसमें योगेश ने बताया कि पड़ोसियों द्वारा जानकारी मिली कि फेसबुक पर कोमल लाई के नाम से बनी हुई आईडी पर उसकी पत्नी के फोटो अश्लीलता के साथ डाले गए हैं, जिसके कारण पूरे गांव व रिश्तेदारों में मुझे बदनामी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके स्क्रीनशॉट उसके पास हैं। इसके बाद उसे थाने पर लिखित तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है और प्रशासन को चेतावनी दी, अगर ऐसा कृत्य करने वाले दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे आत्महत्या करने को मजबूर होगा। अब देखना होगा कि ऐसा कृत्य करने वाले दोषियों पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं सिंगारपुर का रहने वाला। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ बताओ शर्मा मत। मेरी घरवाली के फोटो डाल दिए फेसबुक पर। किस तरह के फोटो डाल दिए? वो भी गंदे संदे उनके साथ। आपको कैसे जानकारी हुई? मुझे पड़ोसियों ने बताया और मैंने भी जानकारी मेरी मैडम ने भी बताया। अच्छा, तो अब आपने कहाँ पे आए हो? मैं चौकी में आया हूँ। चौकी पे तहरीर दी आपने? हाँ दी। अब आपकी आगे क्या मांग है? आगे यही मांग है, मुझे इंसाफ चाहिए। अच्छा, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे गांव वालों की दवा वो पड़ रही है। गांव वाले में क्या कह रहे हैं? गांव वाले ये कह रहे हैं तुम ऐसे काम करते हो। अच्छा, गांव वाले उल्टा सीधा बोल रहे हैं, सीधा बोल रहे हैं, वायरल हो रहे हैं तो तुम उल्टा सीधा काम करते हो। हाँ, तो मुझे इंसाफ चाहिए। मैं भैया मुझे आत्महत्या करने के लिए तैयार हूँ। तो तुम्हें इंसाफ नहीं मिला तो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो?